पुलवामा में हुए आतंकी हमले और 40 जवानों की शहादत से पूरी दुनिया स्तब्ध है। इस घटना ने आतंकवाद के खौफनाक चेहरे को एक बार फिर उजागर किया है। निंदा पूरी दुनिया कर रही है, आतंकवाद और उसे पालने पोसने वाले चरमपंथी नेता देश और उनके समर्थकों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई के लिए एकजुट होने की बात हर अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर की जाती रही है। पुलवामा की घटना के बाद एक बार फिर ये प्रण दोहराया जा रहा है, लेकिन कुछ देश हैं जिनके लिए अपना स्वार्थ आतंकवाद जैसे दानव के सामने बड़ा हो जाता है। बात चीन की कर रहे हैं, जिसने एक बार फिर अपना दोहरा चरित्र दिखाया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने पुलवामा आतंकी हमले में जैश ए मोहम्मद के कायराना आत्मघाती हमले की कड़े शब्दों में निंदा की, लेकिन चीन ने एक बार फिर अपना रंग दिखाते हुए जैश का नाम लिए जाने पर अड़ंगा लगाया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक चीन ने पुलवामा हमले से आतंकी संगठन जैश का नाम हटाने की मांग रखी। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र की 15 शक्तिशाली देशों वाली संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चीन 5 स्थायी सदस्यों में वीटो पावर से लैस एक देश है। यूएनएससी में रेजोल्यूशन एक्सेप्ट कर लिया है, जिसमें भारत ने जो रेज किया था, जिसमें जैश मोहम्मद और मसूद अजहर का नाम है, बहुत अच्छी बात है। चीन का पाकिस्तान और अजहर मसूद को लेकर प्रेम जग जाहिर है। जैश मोहम्मद पाकिस्तान का एक चरमपंथी समूह है और मसूद अजहर इसका मुखिया है। भारत चाहता है कि मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किया जाए। इसके लिए भारत सुरक्षा परिषद में गुहार लगाता रहा है, लेकिन हर बार चीन ने भारत के प्रस्ताव पर वीटो कर दिया। चीन की दोगली नीति की इंतहा यह है कि मसूद अजहर का संगठन जैश मोहम्मद जहां आतंकवादी संगठन घोषित हो चुका है, वहीं उसके मुखिया को वो आतंकवादी मानने से इनकार करता है। सवाल है कि चीन ऐसा क्यों करता है। चीन और पाकिस्तान की दोस्ती काफी पुरानी और दुश्मन का दुश्मन दोस्त की कहावत को सच करने वाली है। पिछले 2-3 साल में इसमें नई जान आई है। चीन ने पाकिस्तान में जमकर निवेश किया है। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि चीन पाकिस्तान का इस्तेमाल भारत के खिलाफ कर रहा है, ताकि भारत को आर्थिक महाशक्ति बनने से रोका जा सके। 1950 के दशक में काराकोरम दर्रे को चौड़ा किया गया था ताकि चीन के ट्रक पाकिस्तान में जा सके। आज भी ये चीन से पाकिस्तान जाने का जरिया है। इस दोस्ती का एक और पहलू इतिहास में देखा जा सकता है। पाकिस्तान को पता था कि अक्साई चीन का हिस्सा संभालना उसके बस की बात नहीं है, इसलिए पाकिस्तान ने वो हिस्सा चीन को दे दिया। पाकिस्तान और चीन के बीच दोस्ती की गर्माहट थोड़ा कम उस समय हुई जब अफगानिस्तान में रूस के हमले के बाद अमेरिका आया और पाकिस्तान को डॉलर देने लगा। चीन के पास देने के लिए इतने पैसे नहीं थे। अब हालात फिर बदले और अमेरिका ने पाकिस्तान को दी जाने वाली तमाम आर्थिक मदद पर रोक लगा दी। ऐसे में चीन फिर पाकिस्तान के साथ आ खड़ा हुआ। अब चीन पाकिस्तान को आर्थिक मदद के साथ साथ लड़ाकू विमान और टैंक भी दे रहा है। चीन के मसूद अजहर प्रेम की एक बड़ी वजह है पाकिस्तानी सेना और आईएसआई का मसूद अजहर को समर्थन। चीन को अपने शिनजियांग प्रांत में मुसलमान आबादी को काबू करने के लिए पाकिस्तानी सेना की जरूरत है। शिनजियांग में मुस्लिम चरमपंथी सरकार के विरोध में सक्रिय हैं। चीन नहीं चाहता कि तालिबान उनकी मदद के लिए उस तरफ से इस तरफ आ जाए। मैं तो समझता हूँ कि चाइना का साथ बातचीत जारी रखनी चाहिए और वो आखिर में उनकी जो जो मंशा है आतंकवाद के बारे, वो बिल्कुल हमारे जैसे ही है और जिनसे वो त्रस्त हैं वही देश हम भी उसी देश से त्रस्त हैं, तो दोनों को एक जगह खड़ा होना चाहिए। चीन के पाकिस्तान को समर्थन के पीछे चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का निर्माण भी एक वजह है। 2,442 किलोमीटर लंबा ये कॉरिडोर दक्षिण पश्चिमी पाकिस्तान को चीन के उत्तर पश्चिमी स्वायत्त क्षेत्र शिनजियांग तक ग्वादर बंदरगाह, रेलवे और हाईवे से जोड़ेगा। $46 बिलियन का ये प्रोजेक्ट चीन पाकिस्तान संबंधों में खासा महत्व रखता है। चीन के लिए पाकिस्तान जहां एक कठपुतली की तरह है, वहीं भारत हर क्षेत्र में उसका कड़ा कॉम्पिटिटर है। ऐसे में पाकिस्तान के जरिए चीन भारत को बांधे रखने की रणनीति पर काम कर रहा है। भारत की अमेरिका से नजदीकी के बाद चीन के लिए पाकिस्तान को टूल की तरह इस्तेमाल करना और भी जरूरी हो गया है। ऐसी स्थिति में कहा जा सकता है कि चीन मसूद अजहर के बहाने पाकिस्तान को खुश करने की नीति पर चलता रहेगा।
भले ही पुलवामा के बाद यूएन में फ्रांस मसूद अजहर पर बैन लगाने का प्रस्ताव लाए, लेकिन चीन उस पर एक बार फिर वीटो लगाएगा ये तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।